ओम शांति। मीठे बच्चे, आज की मुरली 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार की प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, बाप की याद में रह सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे, खुशी में रह सर्विस करेंगे। प्रश्न, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है? उत्तर, ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितना बने हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त हो रहना है, ऐसा न हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी न पड़े। अपनी नब्ज आपे ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है। कितना समय हम याद में रहते हैं? ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं, तुम इतने हसीन बन जाते हो, तो क्यों न ऐसे बाप का बन जाना चाहिए जो बाप श्याम से सुंदर बनाते हैं। बच्चे समझते हैं हम सांवरे से गोरे बनते हैं, एक की बात नहीं है। वो लोग श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं, चित्र भी ऐसा बनाते हैं, कोई सुंदर तो कोई श्याम। मनुष्य समझते नहीं कि यह हो कैसे सकता है। सत्युग का प्रिंस श्री कृष्ण सांवरा हो न सके। श्री कृष्ण के लिए तो सब कहते हैं, श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पति मिले, फिर वह श्याम कैसे हो सकता है? कुछ भी समझते नहीं है। श्री कृष्ण को सांवरा श्याम क्यों बनाया है? कारण चाहिए। यह जो दिखाते हैं सर पर डांस किया, ऐसी बात तो हो न सके। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं, वास्तव में ऐसी कोई बातें हैं नहीं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं शेषनाग की शैया पर नारायण बैठा है, ऐसी कोई सर्प की शैया आदि होती नहीं। इतने सैकड़ों मुख होते हैं क्या? कैसे कैसे चित्र बैठ बनाए हैं? बाप समझाते हैं इनमें कुछ भी रखा नहीं है, यह सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं। परंतु यह भी ड्रामा में नूद है। शुरू से लेकर इस समय तक जो नाटक शूट हुआ है उनको फिर रिपीट करना है। यह सिर्फ समझाया जाता है कि भक्ति में क्या क्या करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कैसे कैसे चित्र आदि बनाते हैं। आगे जब यह सब देखते थे तो इतना वंडर नहीं खाते थे। अब जब बाप ने समझाया है तो बुद्धि में आता है, बरोबर यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति में जो कुछ होता है वह फिर भी जरूर होगा, सिवाय तुम्हारे और कोई भी यह समझ न सके। यह तो जानते हो ड्रामा में जो पहले से नूद है वही होता रहता है। अनेक धर्मों का विनाश एक धर्म की स्थापना होती है, इसमें बड़ा कल्याण है। अभी तुम यह प्रार्थना आदि कुछ नहीं करते हो, वह सब करते हैं भगवान से फल लेने के लिए। फल है जीवन मुक्ति, तो यह सब समझाया जाता है। यहां है प्रजा का प्रजा पर राज्य। गीता में है भारतवासी कौरव पांडव क्या करत भये, बरोबर यादवों ने मूसल निकाले, अपने कुल का विनाश किया। यह सब आपस में दुश्मन हैं। तुम न्यूज आदि सुनते नहीं हो, जो सुनते हैं वह अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दिन प्रतिदिन अंदर खिटपिट बहुत है। है तो सब क्रिश्चियन, परंतु अंदर खिटपिट बहुत है, घर बैठे ही एक दो को उड़ा देंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो तो राजाई करने के लिए पुरानी दुनिया की सफाई जरूर चाहिए, फिर नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। पांच तत्व भी वहां सतो प्रधान होंगे। समुद्र की ताकत नहीं जो उछल कर नुकसान कर दे। अभी तो पांच तत्व कितना नुकसान करते हैं।
वहाँ सारी प्रकृति दासी हो जाएगी, इसलिए दुख की कोई बात नहीं। यह भी बना बनाया ड्रामा का खेल है। स्वर्ग कहा जाता है सत्ययुग को, क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं। पहले फले हेविन था। भारत अविनाशी खंड है। सिर्फ उन्हों को पता नहीं कि हमको लिबरेट करने वाला बाप भारत में आता है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो भी समझ नहीं सकते हैं। अभी तुम समझाते हो कि भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। जरूर शिव बाबा ने भारत में आकर हेविन बनाया है, अब फिर बना रहे हैं। जो प्रजा बनने वाले होंगे उन्हों की बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। जो राजधानी वाले होंगे वह समझेंगे बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी है। लिबरेटर ज्ञान का सागर खुद बाबा है। ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, ब्रह्मा भी उनसे लिबरेट होता है। लिबरेट सबको एक बाप ही करते हैं क्योंकि सब तमोप्रधान हैं। ऐसे अंदर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। हम ऐसी मुरली चलाएं जो मनुष्य झट समझ जाएं। बच्चे नंबरवार तो हैं ही, यह है नॉलेज, इनकी रोज स्टडी करनी चाहिए। डर के मारे पढ़ाई न पढ़ना, यह तो ठीक नहीं है। फिर कहेंगे कर्म बंधन है। देखो शुरू में कितने छूट कर आए, फिर कई चले भी गए। सिंध में बहुत बच्चियां आई, फिर हंगामे के कारण कितने दुश्मन बन पड़े। पहले उन्हों को ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, समझते थे इनको दौत भगवान की देन मिली हुई है। अब भी ऐसे समझते हैं कि कोई शक्ति है, यह नहीं समझते कि परमात्मा की प्रवेशता है। आजकल रिद्धि सिद्धि की ताकत तो बहुतों में है। गीता उठाकर सुनाते रहते हैं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की पुस्तकें हैं। ज्ञान का सागर तो मैं हूं, मुझे ही भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार यह भी ड्रामा में नूद है। साक्षात्कार भी होते हैं, भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं। ज्ञान नहीं उठाते तो उनके लिए भक्ति भी अच्छी, फिर भी मनुष्य सुधरते तो हैं ना। चोरी आदि नहीं करेंगे। भगवान का भजन करने वालों के लिए कभी भी उल्टी बातें नहीं करेंगे, फिर भी भक्त हैं। आजकल तो भल भक्त हैं, फिर भी बहुत देवाला मार देते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बना तो देवाला नहीं मारेंगे। पास्ट का कर्म है तो देवाला मारते हैं। ज्ञान में आने से भी देवाला मार देते हैं, इसमें ज्ञान का कोई तैलुक नहीं। तुम बच्चे अब सर्विस पर लगे हुए हो, समझते हो श्रीमत पर सर्विस में लगने से फल पाएंगे। हमको सब कुछ वहां ट्रांसफर करना है, बैग बैग गेज सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। बाबा को शुरू में बहुत मजा आया था। वहां से जब निकला तो गीत बनाया, अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। श्री कृष्ण का चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, समझा द्वारिका का बादशाह बनूंगा। ऐसा नशा चढ़ता था, अब यह विनाशी पैसा क्या करेंगे। तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए, हमको बाबा स्वर्ग की बादशाही देते हैं। परंतु बच्चे इतना पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को निमंत्रण देने वाले कभी बाबा को याद नहीं करते। बाबा के पास पत्र आना चाहिए कि बाबा हम बहुत खुश हैं, आपकी याद में मस्त रहते हैं। बहुत हैं जो कभी याद नहीं करते। याद की यात्रा से ही खुशी जोर से चढ़ेगी। ज्ञान में भल कितना भी मस्त रहते हैं परंतु देहाभिमान कितना है। देही अभिमानी अपना कहाँ है। ज्ञान तो बड़ा इजी है, योग में ही माया विघ्न डालती है।
गृहस्थ व्यवहार में भी अनासक्त हो रहना है। ऐसा न हो जो माया अंगूरी लगा दे। माया काटती ऐसे है जैसे चूहा, चूहा ऐसे काटता है जो भल खून निकल आए पर पता न पड़े। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि देहाभिमान आने से कितना नुकसान होता है। ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। मम्मा बाबा मुआफिक हम भी तख्तनशीन बने। बाप है दिल लेने वाला। देलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है, अंदर हाथियों पर महारथी बैठे हैं। तुम्हारे में भी महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे हैं। हर एक को अपनी अपनी नब्ज देखनी है। बाबा क्यों देखे? तुम अपने को देखो, हम बाबा को याद करते हैं और बाबा मिसल सर्विस करते हैं। हमारा बाबा के साथ योग है। रात को जागकर बाबा को याद करते हैं। हम बहुतों की सर्विस करते हैं। चार्ट रखना चाहिए, बाबा को हड्डी जिगरी कितना याद करते हैं। कोई समझते हैं हम निरंतर याद करते हैं, यह नहीं हो सकता। कई समझते हैं हम बाबा के बच्चे बन गए बस। परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा की याद बिगर कुछ काम किया गोया बाबा को याद नहीं करते। बाबा की याद में सदैव हर्षित रहना चाहिए। याद में रहने वाला सदैव रमणीक रहेगा, हर्षित मुख रहेगा। किसको बहुत खुशी से और रमणीकता से समझाएंगे? बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का बहुत शौक है। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। यह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर उनकी रचना। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। ब्रदरहुड है, उन्होंने फादरहुड कह दिया है। पहले शिव बाबा के चित्र पर समझाना है कि यह है सब आत्माओं का बाप, परमपिता परमात्मा निराकार। हम आत्मा भी निराकार हैं, भ्रकुटि के बीच में रहती हैं। शिव बाबा भी स्टोर है, परंतु स्टोर की पूजा कैसे हो इसलिए बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्मा कभी 84 लाख जन्म नहीं लेती है। बाप समझाते हैं, आत्मा पहले अशरीरी आती है, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। सतो प्रधान आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते आयरन एज में आ जाती है। बाद में आने वाले तो 84 जन्म नहीं लेंगे। सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ऐसे भाषण करना चाहिए। कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, परंतु कराए कौन? आत्मा सो परमात्मा कहना, यह कोई सेल्फ रियलाइजेशन हुआ क्या? यह नई नॉलेज है। बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्व के सद्गति दाता हैं, वही बैठ समझाते हैं। फिर उनकी खूब महिमा करो, उनकी महिमा सुनी। आत्मा का परिचय बताया, अब परमात्मा का भी बताते हैं। उनको कहा जाता है सभी आत्माओं का बाप। वह छोटा बड़ा हो न सके। परमपिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल, सोल माना आत्मा। परमात्मा तो परे ते परे रहने वाला है। वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए उनको परमपिता कहा जाता है। इतनी छोटी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। पतित पावन भी उनको ही कहते हैं। उनका नाम हमेशा शिव बाबा है, रुद्र बाबा नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक नाम रखे हैं, उनको सभी याद करते हैं कि पतित पावन आकर पावन बना तो जरूर आना पड़े। वह आते तब हैं जब एक धर्म की स्थापना करनी होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म, अभी है कलयुग, ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश।
गीता द्वारा ही आदि सनातन धर्म की स्थापना हुई थी। सिर्फ उसमें भी भूलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप कहते हैं वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है, मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। तो अब जज करो कि परमपिता परमात्मा निराकार शिव या श्री कृष्ण। गीता का भगवान कौन? भगवान तो एक को कहा जाता है। फिर अगर इन बातों को कोई मानता नहीं है तो समझना चाहिए यह अपने धर्म का नहीं है। सत्युग में आने वाला झट मानेगा और पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। मूल बात ही यह है, इसमें तुम्हारी विजय है। परंतु देही अभिमानी अवस्था कहा है, एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते थे परवाह थी पार ब्रह्मा में रहने वाले परमात्मा की, बाकी डर किसका। बहुत हिम्मत चाहिए। भाषण करने वालों को आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती से देना चाहिए। फिर परमात्मा किसको कहा जाता है इस पर भी समझाना चाहिए। बाप की महिमा है प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, वैसे बच्चों की भी महिमा है। किसको गुस्सा करना माना लो हाथ में उठाना। बाबा कितना मीठा है। बच्चे कोई काम में नटाते मना करते हैं तो नटवर नहीं बनेंगे, बहुत मीठा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील धे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक अपना बैग बैगेज सब ट्रांसफर कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। मम्मा बाबा समान तख्तनशीन बनना है, जिगरी याद में रहना है। दो, किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं। कभी क्रोध में आकर लौ हाथ में नहीं उठाना है, किसी सेवा में ना नहीं करनी है। वरदान रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव, जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि न बिल्कुल सादा हो न बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत हैं, साधन देने वाले भी हैं, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा कोई न कहे कि यहाँ तो राजाई ठाठ हो गया है। जितना सिंपल उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस हो। स्लोगन, दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अभी आपकी सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प द्वारा इशारों से चलनी चाहिए। ऐसे लाइट रूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय समाप्त हो जाए, वही संकल्प उठे जो होना है, और जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठे कि यही करना है, तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बनेगा।